इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टाइम हो चुका है अभी 6:45, निकल रहे हैं भाई यूपी के लिए। आप पूछोगे डेली यूपी क्यों जाता है, तो भाई हिमालयन में एक्चुअली पेट्रोल कम है, खत्म सही है। तो अंकित लेके चलेगा हिमालयन, मैं लेके चलूंगा भूसा, एक मेरा फ्रेंड है आशु वो भी आ रहा है। हमारा था तो सुबह का प्रोग्राम की राइड पे निकलते हैं, सुबह का डाला भी था, बट बाई लक मेरा फोन साइलेंट रह गया। आशु ने मेरे को 3-4 फोन किए बट मैं उठा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब चल लेते हैं राइड करने का। तो एक टाइम चाहिए बस अपने को राइड करने की है। मैं, अंकित और आशु, आशु मिलेगा वहीं अपने घर के पास। मैं और अंकित यहाँ से निकल रहे हैं, अंकित निकल रहा है भाई हिमालयन लेके, मैं निकल रहा हूँ भूसा लेके। भूसा में तो अभी टैंक फुल है और एक टैंक की एक्स्ट्रा पड़ी भी है अपने पास, 5 लीटर का एक्स्ट्रा कैन पड़ा भी है जेरी कैन। जब कभी यूपी चक्कर लगेगा तो वहाँ से फिर रिफ्यूल करवा लूँगा। GoPro 360 का माउंट मैंने लगा दिया है बिकॉज कुछ कंटेंट मेरे को अपने इंस्टाग्राम के लिए भी चाहिए था, तो GoPro माउंट कर दिया है। चलो अभी चलते हैं, जल्दी से गियर वियर पहनते हैं और निकलते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे GoPro पर। तो चलो जी अब चला जाए, बाइक करनी थी वार्म अप, वो कर दिया अपने ने, बाबा जी मेहर करना, जय माता की। भाई इधर में मैंने कर दिया अपना GoPro 360 सेट बिकॉज कुछ अपने को निकालने भाई 360 शॉट्स बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम के लिए शॉट्स कुछ बचे नहीं है, कुछ कंटेंट उसको भी चाहिए भाई। अंकित गया भाई अपने घर थोड़ा अपना हेलमेट वगैरह लेने के लिए, कह रहा भैया आप निकलो मैं आपको सारा चौराहे पे मिलता हूँ, बस हेलमेट लेके आता हूँ। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तू जल्दी से हेलमेट लेके आ जा। आशु वहीं पहुँच चुका है, वेट कर रहा है, मैं बस 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा आशु के पास। ये लो जी बस सारस आने ही वाला है 2 मिनट में। बारिश के बाद ना कुछ भी कहो, रोडों के ना लग जाती है अच्छे से। यहाँ से अपने को होना है लेफ्ट। अंकल जी कहाँ उल्टे घूम रहे हो? आशु बाइक इधर खड़ा है, आशु का ही फ़ोन आ रहा है शायद से। आशु यार दिख नहीं रहा है भाई, आप वेट करेंगे अपन आशु का वहीं पर ही। पंडित भाई चलते हैं, जब तक रुकते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी शायद से पिला दें एक चाय, तो चाय पी के फिर निकल जाएंगे। तो चलो जी आशु आ चुका है, तो चलो यहाँ से निकला जाए। भाई भूसा को मोड़ना ना एक अच्छा वाला टास्क है। एक आशु आज मेरे को लगता है फॉर्म में नहीं लग रहा है भाई। आशु अगर अपनी फॉर्म में आता है ना तो भाई ये GT को 170 पर ले जाता है। तो ज़्यादा लंबी राइड नहीं करने वाले हैं, बस यहाँ से फतेहपुर चल रहे हैं, फतेहपुर थोड़ा बैठेंगे मस्ती वस्ती मारेंगे। आशु को थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगता है, अगर ये वार्म अप हो गया एक बार तो फिर ये रुकने वाला नहीं है भाई, 170 से नीचे बात नहीं करता फिर ये। लास्ट वाला व्लॉग था, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, मैं आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ तो जाके क्लिक करके प्लीज से देख लेना, बहुत सही वीडियो बनी थी मेरे हिसाब से तो। बाकी अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मेरे को बताना, लेट मी नो, मैं चेंज करूँगा भाई। इसको 80-100 पे चलाने में ना मजाक से हटके कम से कम 20+ का एवरेज देती है मेरे को कई बार इसने दिया है। एक बार तो फुल टैंक करवाया था मैंने, जब मैं मनाली गया था यहाँ से, तब मैं यूट्यूबिंग नहीं करता था, तो इसने मेरे को ना भाई मेरा फुल टैंक करीबन 20 लीटर्स का, तो वो अराउंड चला था 350 किलोमीटर के अराउंड। तो एवरेज के मामले में भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे को मेरी भूसा से, वो तो अलग बात है कि पेट्रोल महंगा हो गया है कि कोई नहीं भाई, वो भी झेलना पड़ेगा। बाकी सिटी में इसका एवरेज थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कम है, और हाईवे पे इसका एवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो भाई लोगों अभी टाइम हो चुका है रिफ्यूलिंग का, एक्चुअली इसमें तो फुल है बट अपनी जो हिमालयन है उसमें बहुत कम है, उसमें एंड पर ही है भाई, उसमें एंड हो चुका है ऑयल पेट्रोल शायद से, तभी अंकित स्लो हो गया है। एक बार अंकित आ जाए तो बस पेट्रोल रिफ्यूल करवाते हैं फिर लेके चलते हैं जी आपको फतेहपुर सीकरी। तो जी पेट्रोल रिफ्यूल हो चुका है, पेट्रोल रिफ्यूल, चलने तो जी फतेहपुर सीकरी के लिए। अब बस जी यहीं से हो जाना है राइट और सीधा जाओगे तो आगरा, यहाँ से लेफ्ट राइट हो जाओगे तो अपना पहुंच जाओगे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट ओनली 1 किलोमीटर। भाई लोकेशन के लिए आप ये एड्रेस नोट कर लेना, श्री श्याम बाबा स्वीट्स, काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ के, वो भैया बहुत अच्छे थे। ठीक है भैया इधर के ना, लाइक सीरियसली मैंने आज से पहले कभी समोसा नहीं खाया, मैंने समोसा लिया एक ही और हम 3 जने थे एक्चुअली, तो पहले बोले कि यार भैया नहीं खाना, मन नहीं कर रहा खाने का कुछ, तो मैंने एक समोसा ले लिया
और भाई खाया तो मज़ा आ गया, और जब वापस लेने आए तो समोसे एंड। पाव भाजी काफ़ी अच्छी थी, सारा कुछ काफ़ी बहुत ही अच्छा था, मतलब लाइक चाउमीन वगैरह भी हमने ऑर्डर की थी, मज़ा आ गया भाई। तो आप भी अगर फतेहपुर सीकरी साइड आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार से विज़िट कर लेना, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट सीरियसली बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। मतलब अभी हो चुका है भाई अंधेरा और अपना है ब्लैक वाइजर, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। आशु का बहुत मन था कि चाय पी लेते हैं, भैया चाय पी लेते हैं, बट क्या करूँ मेरा ब्लैक वाइजर था, सॉरी भाई आशु, बट कोई नहीं, अपन टी लैंड पे बैठ के आराम से चाय पियेंगे, मस्ती मारेंगे। टी लैंड तक यार ये है कि मेरा काफ़ी रास्ता कवर हो जाएगा बिकॉज अंधेरे में मेरे को दिक्कत नहीं होगी, फिर अभी यहाँ रुक गए तो फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो अलग बात है कि हम वो मतलब कितना भी कर करके मैं कर लेता हूँ कि चलो जी, बट थोड़ा प्रॉब्लम आती ही है। तो कोई नहीं जी, वहीं जाके पियेंगे चाय, और आशु को चढ़ चुका है बुखार, देख रहे हो ना भाई क्या निकालता है यार ये, मतलब मैं अपने भूसा ना निकालूं ये बंदा भाई इंटरसेप्टर निकाल के ले जाता है। लाइटें दिख रही हैं आपको, इतनी सारी रोड पे लाइटें क्यों आ गई हैं, क्योंकि भाई पीछे आ चुका है अंकित अपनी ब्लैक मॉन्स्टर को लेके, और ब्लैक एंजल को बेचारी को डरा रहा है रात में कि भाई तेरे अंदर लाइट नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी लाइटें हैं। तो कोई नहीं जी, अपनी बेबी रात में बहुत कम ट्रेवल करती है ब्लैक एंजल, और जो मॉन्स्टर है वो तो भाई मॉन्स्टर ही बनाया है मैंने, क्योंकि वो दिन रात कहीं भी कैसे भी इसको ट्रेवल करना पड़ सकता है। और ये अंकल को ये अपन बहुत जोर से फ्लाई बाय देते हुए 500 की स्पीड से रॉयल एनफील्ड सुजुकी को फ्लाई बाय देते हुए, और ये सुजुकी फिर से फ्लाई बाय देते हुए, और ये यहाँ रह गई सुजुकी, और ये फिर से निकलने की ट्राई, और यहाँ TVS वालों ने हमें रोकने की कोशिश की, और ये फिर से निकल चुके हैं हम, वाओ। बस टीलैंड ज़्यादा दूर नहीं, टीलैंड आ चुका है, अब आराम से बैठ के पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी या चाय वगैरह जो भी मतलब सारे चाहेंगे, बट मैं तो भाई कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा, चाय वाई यार ऐसी गर्मी में ना मेरे को जचती नहीं है, बट हाँ जब मैं बाहर राइड पे निकलता हूँ ना, आई मीन भरतपुर से बाहर, तब मैं चाय पीता हूँ, चाय या रेडबुल, बस दो में से एक चीज़। तो अभी हो गया जी टी लैंड से निकलने का टाइम, कॉफी पी ली है, ठीक है भैया बाय बाय, चलते हैं अपने घर, क्योंकि भाई अंधेरा हो चुका है, हेलमेट का ब्लैक वाइजर है तो ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, टाइम से घर पहुंचते हैं। छोटी सी वीली तो बनती थी भाई, काफी टाइम हो चुका था, वाओ अमेजिंग, मजा आ गया भाई। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बार व्हीली का शौक अगर चढ़ जाता है ना तो भाई हाल वाल उतरता नहीं है, बट ये जो भी था लास्ट था, अब नहीं करने वाले अपन व्हीली, बस बहुत हुआ व्हीली व्हीली वाला गेम। हाँ जी की हाल चाल, तो कैसा लगा भाई यार? कुछ खास नहीं था, मेन तो मुझे डलवाना था पेट्रोल, इसलिए मैं हिमालयन लेके गया साथ में उसके अंकित को लेके, अंकित मैंने कहा हिमालय ले चल, अगर यूपी चल ही रहे हैं तो हाथ के पेट्रोल भी डलवा रहेंगे। आशु का मन था वैसे सुबह की आज राइड मैंने ही प्लान करी थी, बट मैं ही नहीं उठ पाया, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी, बट आशु के काफ़ी फ़ोन आए, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो आशु को मैंने फ़ोन किया कि मैंने भाई अभी चल रहा है राइड पर, आशु बेचारा राइड के लिए ऑलवेज रेडी रहता है कि ठीक है भैया चलते हैं, कहाँ चलना है, मैंने फतेहपुर तक चलते हैं यार। जो मैंने आपको शॉप बताई थी श्री श्याम बाबा, वहाँ पर लिटरली समोसा बहुत अमेजिंग है, पाव भाजी भी बहुत अच्छी है, चाउमीन तो और भी लाजवाब है, आप एक बार भाई फतेहपुर जा रहे हो ना तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, मेरे कहने बहुत अमेजिंग जगह, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है बहुत सही जगह है बैठने के लिए, बट उसका जो खाना है ना भाई वो बहुत एक नंबर है, एक नंबर, तो वहाँ जाना ज़रूर आप। नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं कब कहाँ कैसे बनेगा, कुछ सोचा नहीं है मैंने, बट सोच लेंगे टाइम मिलते ही। ये वाला व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर, ये व्लॉग कैसा लगा, होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना, और प्लीज़ जो इस चैनल पर नया है ना भाई सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, अभी तो बस स्टार्टिंग है यार, बहुत सपोर्ट करो छोटे भाई को। तो चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।